शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पार्ट फोर माँ की सीख प्रश्न जवाब लिखेंगे। आप सब क्लास वर्क्स बुक्स पास में रखें और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड के ऊपर लिखी है आप लिखते जाइए। कमला क्यों कुश्ती, हेडिंग साइड हेडिंग लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए और पहला प्रश्न, कमला क्यों कुश्ती, जवाब एक लाइन छोड़ के जवाब लिखिए। कमला उपहार पाकर खुश थी, कमला उपहार पाकर खुश थी, कमला क्यों खुश थी, कमला उपहार पाकर खुश थी। अब हेडिंग लिखे ना बच्चों, माँ की सीख हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आप सब हेडिंग प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखने के बाद पहला प्रश्न लिखिए और जवाब कमला उपहार पाकर खुश थी लिखिए, क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ईशान ने माँ को क्या वचन दिया, ईशान ने माँ को क्या वचन दिया, ईशान ने माँ को वचन दिया कि मैं आज से सभी का आदर करूँगा और बात मानूंगा। ईशान ने माँ को क्या वचन दिया, ईशान ने माँ को वचन दिया कि मैं आज से सभी का आदर करूँगा और बात मानूंगा। दूसरा प्रश्न और जवाब लिखने के बाद आप पेज टर्न करिए, टेक्स्ट बुक ओपन करिए बच्चों। टेक्स्ट बुक में आप सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, है ना, ओबिट आप अब टेक्स्ट बुक में ही लिख दीजिए। सर ओके सर इधी बच्चों, अब पेज नंबर 27 गाबिट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट वन, पहला वन, ईशान क्या जिद करने लगा, ईशान क्या जिद करने लगा, पहला वन पढ़ने के लिए, सेकंड वन खेलने के लिए, थर्ड वन खिलौने के लिए। ईशान खेलने के लिए जिद कर रहा था, सेकंड वन खेलने के लिए। नेक्स्ट सेकंड वन, घर में कैसा माहौल था, घर में कैसा माहौल था, पहला वन खुशी का ऑप्शंस में, सेकंड वन दुख का, थर्ड वन पढ़ाई का, खुशी का, सही का निशान खुशी का, खुशी का जगह आप सही निशान लगा दीजिए। चाचा जी ने क्या उपहार दिया था, थर्ड वन चाचा जी ने क्या उपहार दिया था, खिलौना किताब कलम, इसमें पहला वन सही है, खिलौना, खिलौने के जगह सही का निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट घाबिट देखिए बच्चों, चित्र देखकर सही या गलत का निशान लगाइए, चित्र देखकर सही या गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट वन सही है, बड़ों का आदर करना सही है। नेक्स्ट सेकंड वन गलत है,
विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर हाथ रखना मना है, इसलिए वो गलत है। थर्ड वन, पढ़ना, चित्र में बच्चा पढ़ रहा है, सही है, सही का निशान लगाइए। फोर्थ वन, बच्चा एक जगह बैठकर नीट से गिटार प्ले कर रहा है, करेक्ट है। फिफ्थ वन, सब लोग मिलजुल कर चल रहे हैं रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर सब लोग मिलजुल कर चल रहे हैं, सही है। दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं सिक्स्थ चित्र में, वो गलत है, वहाँ पर गलत का निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट, काबिट उल्टे अर्ध वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों उल्टे अर्ध वाले शब्दों को विलोम शब्द बोलते हैं। काबिट में अब मैचिंग करना है हमें, काबिट सही विलोम शब्दों का मिलन कीजिए। पहला वन, सुख दुख, मैच करिए। सेकंड वन, रात दिन, रात और दिन। थर्ड वन, सुबह शाम, सुबह शाम। फोर्थ वन, सही गलत, सही गलत। फोर्थ सही टू फिफ्थ गलत। फिफ्थ वन, बड़ा, सिक्स्थ वन छोटा को मिलाइए, बड़ा और छोटा। सिक्स्थ वन, खुश, फोर्थ वन से मैचिंग करिए, उदास। बच्चों अब ये मैचिंग आप क्लास वर्क में एक बार और होमवर्क बुक में एक बार लिख दीजिए। अब अगला बिट, का बिट मैं बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। बच्चों अब दिए गए संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द लिखिए। खाबिट, अब बोर्ड के ऊपर देखिए, संयुक्ताक्षर खा और शा, खा हका के नीचे हलंत प्लस शा, ये दो मिलने पर कौन सा संयुक्ताक्षर बनता है? क्षा, क्षा से कक्षा, क्षा कौन सा शब्द, उनसे कौन सा शब्द बनता है? क्षा से कक्षा। हम और दो शब्द लिखना चाहे, रक्षा दीक्षा, खा प्लस शा, दो संयुक्ताक्षर मिलने से क्षा शब्द आता है। क्षा से कक्षा, रक्षा दीक्षा। नेक्स्ट, था, ता के नीचे हलंत प्लस रा, ये दो संयुक्ताक्षर मिलने से त्रा अक्षर संयुक्ताक्षर आता है। त्रा से छात्र और पात्र चित्र। नेक्स्ट अगला वन, झा, झा प्लस न्या, झा प्लस न्या। ज्ञा, कौन सा संयुक्त अक्षर आता है? ज्ञा, ज्ञा से ज्ञान, ज्ञानी ज्ञापिका, आप टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए ये। रक्षा दीक्षा पात्र चित्र ज्ञानी ज्ञापिका। बच्चों अब अगला बिट समझिए और लिखिए। आप अक्षरों को डिवाइड करना है, अलग करना है, अक्षरों को अलग करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनको अक्षरों में अलग करना है। समझिए और लिखिए, आप टेक्स्ट बुक में लिखिए। कमला, उसको अलग करने से का प्लस मा प्लस ला, कमला। अगला, उपकार, उ प्लस पा प्लस का प्लस रा, उपकार। थर्ड वन,
समय। सा प्लस मा प्लस या समय। फोर्थ वन उदास। उ प्लस दा प्लस सा उदास। फिफ्थ वन सीख। सी को अलग करना और खा को अलग करना। सी प्लस खा सीख। बच्चों ये पूरा टेक्स्ट बुक में एक बार, क्लास वर्क में एक बार, होमवर्क बुक में एक बार लिख दीजिए। नेक्स्ट अगला बिट, एक के अनेक शब्द लिखिए। चित्र देखिए बच्चों, एक के अनेक शब्द लिखिए। एक लड़का दिया गया है वहाँ पर। अगला चित्र में दो लड़के दिए गए, लड़का दो लड़के। उत्तर क्या है? एक के अनेक। वचन बदलिए बोलते हैं इसे, एक के अनेक, सिंगुलर और प्लूरल्स। लड़का लड़के वहाँ पर दिए गए हैं आपको लड़के। नेक्स्ट वन बोर्ड के ऊपर देखिए, रोटी। दो रोटियाँ दिया गया है उधर, रोटियाँ। चित्र में क्या दिया गया है? रोटियाँ। थर्ड वन खिलौना। नेक्स्ट खिलौने। दो चित्र दिए गए हैं। नेक्स्ट लड़की, दो लड़कियों के चित्र दिए गए हैं। लड़कियाँ, लड़के लड़कियाँ। बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखिए बच्चों, और टेक्स्ट बुक्स में नीट से लिखिए, और क्लास वर्क में और होमवर्क बुक में लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज टर्न करिए बच्चों, आओ कुछ करेंगे। 30 पेज नंबर, 30 पेज नंबर। अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए वहाँ पर। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, माता पिता और भाई बहन कौन है, उन लोगों के नाम लिख दीजिए। गाबिट देखिए बच्चों, अपने जन्मदिन पर मिलने वाले अपने मनपसंद किसी एक उपहार का चित्र बनाइए, नाम लिखिए और रंग डालिए। आपको बर्थडे के दिन गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो उसमें आपको कौन सा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा वो गिफ्ट वहाँ पर ड्रा करिए और रंग डालिए और उसका नाम लिखिए। अगर बस मिले तो बस, कार मिले तो कार, नहीं तो डॉल मिले तो उसका नाम लिखिए और रंग डालिए बच्चों। धन्यवाद।